अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो आइस के लिए, यानी आइस किस तरह ड्रा की जाती है, बेसिस क्या है आइस को ड्रा करने के लिए, आज इस आइस ट्यूटोरियल के हवाले से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तकरीबन कंप्लीट वीडियो जिसमें आइस किस तरह ड्रा करनी है और क्या बेसिक्स हैं इसकी और क्या किस तरह हम ड्रा कर सकते हैं, इजी मेथड से हम ड्रा कर सकते हैं किस तरह, वो आज मैं आपको कम्प्लीट आइस के बारे में बताऊँगा। इंशाल्लाह अगर आपको समझ आए तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी बताइएगा। अगर किसी और हवाले से आपको वीडियोस चाहिए होंगी तो मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह उस हवाले से, उस टॉपिक के हवाले से मैं आपको वीडियो लाजमी बना के अपलोड करूँगा। सिंपल, सबसे पहले आई ड्रा करने के लिए हमने सिंपल एक सर्कल ड्रा करना पड़ेगा। ये आई बॉल के लिए सर्कल है और कम्प्लीट आई के लिए एक और हमें बड़ा सर्कल बनाना पड़ेगा। इसी के राउंड एक और सर्कल बना लेंगे हम। पहले हमने क्या किया है, लाइट पेंसिल उठाई, यानी अगर हमें तो सिंपल कोई भी पेंसिल आप जो सिंपल लेड पेंसिल है उसे ड्रा कर सकते हैं। क्या करना है, दो सर्कल हमें इस तरह, एक छोटा सर्कल और एक उससे बड़ा सर्कल इस तरह ड्रा कर लेनी है। ये हमारी दोनों सर्कल ड्रा हो गए हैं। अब क्या करना है, हमने आइस को शेप देनी है, आइस की इस तरह इसको ड्रा करेंगे ऐसे। पहले क्या करना है, हल्के हल्के हाथों से आपने आउटलाइन ड्रा करनी है, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी हार्ड करेंगे इसको और वो पीस पे एकदम शार्प हो जाएगा तो हम वो, अगर हमारी थोड़ी सी मिस्टेक होगी, अगर हम वो रेज करना चाहेंगे तो वो रेज भी नहीं हो सकती हमारे, इसलिए हम क्या करेंगे आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल लाइट हाथों से इसको क्या करेंगे ड्रा करेंगे, स्टेप बाई स्टेप ड्रा करेंगे। ये हमारा फ्रंट आई व्यू है, यानी अगर फ्रंट आईज वो ड्रा करेंगे तो उसके लिए क्या बेसिक्स हैं वो मैं आपको आज बताऊंगा। इस तरह हमें क्या करना है, जो आई बॉल है उसकी आउटलाइन को थोड़ा सा डार्क कर लेना है इस तरह से, और इसको अंदर की तरफ इस तरह हमें डार्कनेस देनी है। जो आई बॉल होती है उसको तकरीबन हमने, क्योंकि ये बिल्कुल राउंड है, इसको थोड़ा सा ऊपर करके आई बॉल को, आई बॉल के अंदर जो डार्क फील जाता है उसको डार्क करना है। ये हमने ड्रा कर दिया, और हमेशा आई के अंदर कोई ना कोई, क्योंकि रियलिस्टिक आई बनानी है हमने तो इसके ऊपर कोई सा हमने लाइट के लिए डार्क, उसको हमने डार्क नहीं करना, यानी राउंड सा सर्कल बना के, यानी इस जगह को हमने यहाँ पे शेड नहीं करना, इसलिए हमने इस एरिया को अलग कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे हमने डार्कनेस नहीं देनी हमने, इसलिए हमने डार्कनेस को यहाँ पे राउंड एरिया अलग कर लिया है। इसके हम क्या करें, ऊपर वाला जो भी आई का एरिया होता है वो ज़्यादा डार्क होता है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास आई का ऊपर वाली आई का शेडो बन रहा होता है, आईब्रोज का शेडो होता है, जिसकी वजह से ऊपर वाला एरिया ज़्यादा डार्क होता है, नीचे लाइट होता है। ऊपर से हमने डार्कनेस को नीचे लिख देना है आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ पर हमें क्या करना है, हल्के हल्के स्ट्रोक्स लगा देने हैं, इस तरह जो आईज के अंदर लाइन्स वगैरह होती हैं उसको हम इस तरह शो कर सकते हैं, बड़ी छोटी कोई भी हम अलग अलग लाइन्स लगा लेंगे ताकि रियलिस्टिक लुक आए, और हल्का सा इसको ऊपर हमारा ज़्यादा लाइट डार्क रहेगा और नीचे बिल्कुल लाइट सामने शेडो शेड करना है, इसको शेडो दे दिया हमने इसको लाइट से कर। ये लाइट जो डार्क एरिया है इसको और हम डार्क कर देंगे थोड़ा सा, ये डार्कनेस हमने और दे दिया इसको ताकि और लाइट वाजे हो जाए आई बॉल, क्योंकि बहुत ज़्यादा आई डार्क होती है, इस वजह से हम इसको और थोड़ा सा डार्क कर रहे हैं। ये हमारा फ्रंट व्यू इस तरह, ये हमने आई बॉल को, यानी जितना हम और रियलिस्टिक करते जाएंगे, उस बारीकियों को लेके आएंगे वो उतना रियलिस्टिक बनते जाएगा, और हम अगर डार्क करना चाह रहे हैं इसको और लाइन हमने इसके अंदर ड्रा कर लिया। हमेशा जब भी रियलिस्टिक बनाना होता है उसके ऊपर हमने स्टेप बाय स्टेप काम करना होता है, आहिस्ता आहिस्ता हमें क्या करना है उसको शेड करके और ज़्यादा डार्कनेस की कमी होती है, कि एक ही बार में हम डार्क नहीं कर सकते इसको, क्योंकि वो हमारी रियलिस्टिक लुक नहीं आती, वो और ख़राब लगने लग जाती है, यानी वो रियलिस्टिक लुक नहीं आती हमारे पास। स्टेप बाई स्टेप हमने काम करना है इसके ऊपर, डार्क जितनी डार्क आई होगी यानी उसके ऊपर उतनी बार हमें शेड करेंगे इसको स्टेप बाई स्टेप। ये हमारी आई बॉल तैयार हो गई है। नेक्स्ट जो ऊपर वाला एरिया होता है ये ज़्यादा डार्क होता है, क्योंकि यहाँ पे आईब्रोज वगैरह सारी और आई लाइश सारी जो भी होती है यहाँ पे होती है, जिसकी वजह से हमें इसको और ज़्यादा डार्क करना पड़ता है। ऊपर वाला एरिया
ज़्यादा से ज़्यादा डार्क और ज़्यादा एरियाज पर शोरूम में लेते होंगे। इस तरह हम आपको जो नीचे की लाइन होती है यहाँ पर थोड़ा सा हमने छोटे करें लाइट सा, इसको थोड़ा सा डार्कनेस देना है अकाउंट से यहाँ पे यहाँ पे जो ब्लू लाइन होती है यानी जो नीचे वाली लाइन होती है इसके दो एरिया लगेंगे इसको साइड टू साइड थोड़ा सा इसको कितना तो अलग एक और लाइन लगाएंगे ब्लू लाइन से नीचे वाली लाइन से तो यहाँ पे भाई वो फेज होती है नीचे वाली लाइन से हल्का सा लगाना है नीचे वाली लाइन जो होगी वो हमें लगा सकते हैं ऊपर वाली लाइन से भी हमें लग सकती है जो कि रेडी चुकी है यहाँ भी भाई इसको कहने का सही आई ओपन होती है हमारा हल्का सा किसी भी टिशू पेपर से किसी भी ब्लेंडर है हमारे पास तो हम इसी के द्वारा टिशू पेपर को थोड़ा सा होल्ड करके उससे भी ब्लेंड कर सकते हैं आसानी से हमने थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया अगर हमें इसके हेयर्स को थोड़ा थोड़ा हम क्या करेंगे इसके नीचे इस तरह लाइन से डालने के लिए हम इस तरह से यानी आराम से नीचे रंग लग जाएंगे हमारे पास हाई जो अगर जो हेयर्स हैं वो डालने के लिए पसंद आता है अब इसी को इस तरह हम ऐसे कर देंगे देखिए डाल करके दिखा नहीं सकते और ले रखा जाता है ड्राइंग के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पेशेंस से काम रखें ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी करने की ज़रूरत नहीं हमने जितना जल्दी करोगे उतना वो काम खराब होता रहेगा बिल्कुल आहिस्ता से उसको ध्यान ध्यान से एक एक लाइन को आपने लगाना है आर्ट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है पेशेंस अगर पेशेंस नहीं है तो आप आर्ट को अच्छे से नहीं कर पाओगे अब आहिस्ता आहिस्ता इसको और इसमें स्ट्रोक साइड करते जाने इस तरह से नीचे भी हमें ड्रा करना है उसको हम बच्चों को बारीक बारीक से मिलाई लगाने इस तरह राउंड राउंड छोटी छोटी राउंड राउंड लगाने और ऊपर जहाँ तक तक होगा हमारे पास लिखा उसको ये हम जितना एरिया को स्मूथ रखेंगे वो उतना अच्छा लुक देगा हमारे पास रेलिस्ट को पता रहेगा इसमें इस तरह से देखो अभी तक हमने रेजर वगैरह यूज़ नहीं किया क्योंकि हमने जो भी लाइन लगाई थी वो बहुत हमने लाइन लगाई थी इसकी वजह से हमें इसको मर्ज कर देंगे तो बिल्कुल भी रेस करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसलिए हम जब भी ऑफलाइन ट्राई करनी है अपने बिल्कुल उसको हम क्या था बिल्कुल लाइट से रखना है ताकि हमें और इक्विपमेंट की ज़रूरत ना पड़े बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता उसको हमने इस तरह मर्ज कर दिया कोई ढंग अच्छा ढंग हमें नजर नहीं आ रही अगर हम ऊपर हमें आईब्रोज वगैरह ड्रा करनी है तो हम एक सीधी लाइन लगाएंगे थोड़ा सा यहाँ पे जाके इसको कर्व कर देंगे इस तरह पहले हेयर जो होते हैं यहाँ पे वो सीधा स्ट्रेट ऊपर रहते हैं जो स्टार्टिंग रहते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता इनका जो रुख होता है वो चीज होता है इसको बेंड करते जाना हमें आहिस्ता आहिस्ता इस तरह ये पहले हम ये सारे इस तरह से यहाँ पे जो आते हैं ऊपर से भी आते हैं थोड़ा सा इस तरह से ऐसे ही है पत्ती हमारे पास फिर उसका जैसे मैं लोग पहले सबके एक बार ड्रा कर लिए फिर उसके
बेसिक जो चीजें रहेंगे, जो स्टार्टिंग वाले हेयर हैं वो बिल्कुल ऊपर वाले साइड पे जाएंगे। अब इसको क्या करना, आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको प्रेशर अप्लाई करना है ताकि इसको और डार्क कर सकें। सिंपल हमने एक ही पेंसिल यूज किया, कोई एक्स्ट्रा पेंसिल हमने इस्तेमाल नहीं की। ये नहीं आर्टिस्ट कहते, बहुत से लोग कहते हैं बहुत सारी पेंसिल यूज करके हम रियलिस्टिक ड्रा होती है, हो सकती है, लेकिन एक पेंसिल से भी इस तरह हर चीज ड्रा कर सकते हैं। अब क्या करना है, जितना हम प्रेशर अप्लाई करेंगे सिंगल पेंसिल से, हमें पास सिंपल एक पेंसिल से मैं ड्रा करूँ सारा जो भी आइस की ड्राइंग ड्रा की है, सिर्फ एक पेंसिल से ड्रा किया। अब आइस आइस से करेंगे उसी रुख की तरफ इसको प्रेशर अप्लाई करके इसके फेस को स्टेप बाई स्टेप ड्रा करते रहना। थोड़े से अपने हेयर को नीचे भी रखना है ताकि इसको शो हो, यहाँ से हेयर को निकल देना है इस तरह, ये तो क्या रहेगा। उसी हिसाब से हम शेप्स को डिसाइड करते हैं किस तरह हो जाएगा और इसको किस तरह होगा। हम लोग हमें स्केच की तरह से उसको किसी की आईज बहुत बारी करते हैं, किसी की आई आईज के ऊपर जो है ये बहुत बारी करते हैं, किसी तरह होते हैं, किसी को होते हैं, ये इसी तरह हम इसको जजमेंट करके हम ड्रा कर सकते हैं। किसी के ऊपर होती है इसको ब्लैक कर दिया और इसको कर दिया। आप किसी भी टिश्यू पेपर से ब्लैंड कर सकते हो, किसी भी और कॉटन से ब्लैंड कर सकते हो। इस तरह से ये हमारी तकरीबन आईज रेडी हो गई है। आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि क्या चीज़ आपको ज़्यादा पसंद आई है और क्या चीज़ आपने आज नहीं सीखी है और किस हवाले से आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप नोज की लिप्स की स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस आपके लिए मैं बनाता रहूँगा। और आपने लाजमी बताना है और इसको प्रैक्टिस लाजमी करनी है अपने घर पे, और प्रैक्टिस करने के बाद मुझे रिजल्ट में लाजमी बताना है कि किस तरह आपको बेनिफिट हुआ है और आपको ड्रा करनी आई है कि नहीं आई। और लाजमी अगर आपको इस मेथड से समझ नहीं आई तो मैं आपके लिए और मेथड भी, बहुत सारे मेथड होते हैं चीज़ को ड्रा करने के, आपने मुझे लाजमी बताना है, इसके व्यूज़ देने हैं और आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना वो परफेक्ट बनता रहेगा। अभी आप पहली बार ड्रा करोगे तो आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, दो तीन बार अगर ड्रा करोगे नेक्स्ट फिर चेक करना है रिजल्ट किस तरह बनता है, क्योंकि आर्ट है इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये एक बार ड्रा करने से दो बार ड्रा करने से नहीं आता, आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आप परफेक्ट बना सकते हो। इससे आपको क्या करना है, सिर्फ एक आर्टिस्ट के लिए ज़रूरी चीज़ है कि प्रैक्टिस, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ये उतना ही मेक स्टिक बनता जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आपकी वीडियो पसंद आई होगी, इसको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है लाजमी, और दूसरे आर्टिस्ट की शेयर भी करनी है आपने। और आप अपनी मिस्टेक्स, आप अपनी कोई भी रिव्यूज देना चाहती हैं तो कमेंट में लाजमी दर्ज कीजिएगा।